Hey guys, welcome back to our... Hey guys, welcome back to our another vlog. और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और आज हमने लेट व्लॉगिंग स्टार्ट की है. अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट जा रहे कुछ काम से. कार्तिक अपने ऑफिस के काम से कुछ जा रहा है, तो मैं भी साथ में जा रही हूँ. और कार्तिक ने आज डिमांड किया है कि मैं उसके लिए पकौड़े बनाऊँ, सो वहाँ से आकर पकौड़े बनाएंगे. सैंपल देखने जा रहे हैं कि हमारा पास हुआ है नहीं हुआ है. सो अभी हम जा रहे हैं देखने कि कार्तिक जी का सैंपल पास हुआ है कि नहीं, और फिर वहाँ से आकर हम कार्तिक जी की डिमांड पूरी करेंगे. देखेंगे कि पकौड़े बना पाऊंगी कि नहीं, पकौड़े की डिमांड है. सो लेट्स गो, मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं वहाँ क्या क्या होने वाला है. हेलो, तो मास्क भी लगा ली जाए गाइस, चालान भरना पड़ जाएगा वरना. बहुत गर्मी हो रही है गाइस, इतनी गर्मी है कि आपको बता नहीं सकती. बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है हम चेन्नई में आ गए. गाइस देखो, हम कार्तिक के ऑफिस आ गए. सो ये देख सकते हो क्या मस्त सीन है. सो ये दिख रहा है ये सामने. हाँ, यहाँ सैंपल लगवाया नीचे बेसमेंट में. अच्छा, वो देखना है कि वो ओके हुआ नहीं हुआ, बस वो देखने आए हैं. ओके, और ऑफिस भी बंद करते हैं. चलो, सो आज हम कार्तिक के ऑफिस जा रहे हैं. वाओ. सो गाइस, बहुत सारी लड़कियों ने डिमांड किया था कि कार्तिक के ऑफिस के बारे में भी बताऊं, तो आज हम कार्तिक के ऑफिस में जा रहे हैं. ठीक है, शोरूम कपड़े वपड़े ले लेते हैं यहाँ से. अरे यार, सो गाइस, अरे वाह, ये लिफ्ट तो कुछ यूनिक है. कितनी गर्मी, इसमें वो वाली म्यूजिक नहीं आ रही है ना पे. तो ये मॉल में थोड़ी है. ओ, इसमें तो शीशा भी लगा हुआ है गाइस, ये देखो. वाओ, पीछे देखो, थोड़ा टूट रखा है ये. वाओ, कार्तिक का ऑफिस तो बड़ा मस्त है. अभी ऑफिस में पहुंचेगा. अच्छा, तो आ ही गए फाइनली कार्तिक के ऑफिस में. मैं बोलती थी कार्तिक को कि अपने ऑफिस ले चलो, बट ये हमारा दिन कार्तिक के ऑफिस में. वाओ, सो ये रहा कार्तिक का ऑफिस गाइस. वाओ, कार्तिक जी अब एसी चला रहे हैं, फुल एसी कर दो, गर्मी लग रही है. गाइस, ऑफिस का हम स्टोर ज्यादा बना रखा हमने, इनकी अभी हम जो उनका स्टोर लेने वाले हैं अभी वहाँ की बात चल रही है हमारी, तो अभी कुछ प्राइस का इशू हो रखा है क्योंकि सीधा परचेज ही करना है वो हमने. तो जैसे ही वो हमारी बॉन्डिंग बैठती है ओनर के साथ, वैसे ही हम ये सारा का सारा हमारा स्टोर का सामान वहाँ शिफ्ट कर देंगे. प्रॉपर एक बढ़िया सा ऑफिस लेके आएंगे, फिर उसका मैं टूर आपको जरूर दिखाऊंगा. डन डन. तो ये गाइस, ये रहा कार्तिक का छोटा सा ऑफिस. अभी तो आज संडे है, पता नहीं ये व्लॉग मंडे को सुबह में आएगा या फिर शाम को आएगा. सो देखते हैं गाइस, क्योंकि अभी तो जाकर हमने पकौड़े वकौड़े भी बनाने हैं. अगर वीडियो एडिट कर पाई तो मैं मंडे को सुबह डाल दूंगी, वरना देखते हैं.
सो गाइज अब हम चलते हैं अपने सैंपल की तरफ को, क्योंकि अभी सिर्फ ऑफिस बढ़ाना ही था और कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी घर चला गया था और फिर मैं भूल गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ शीशे वाला डोर मैंने लॉक करा है, मेन शटर नहीं डाउन करा, तो मेन शटर डाउन करने के लिए आए हम। तो मैं कहा चलो, स्नेहा काफी दिन से बोल रहे थे कि नया वाला ऑफिस दिखाओ, लेकिन अभी ये नया वाला ऑफिस ऐसा नया वाला है कि इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं इसी फ्लोर पे। आप बाहर आओगे तो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, यहाँ कम से कम 100 दुकानें होंगी, सॉरी यहाँ कम से कम सौ शोरूम है इस पूरे उसमें एरिया में नहीं, इस फ्लोर में। अच्छा, इस फ्लोर में ऊंची बिल्डिंग है, पूरे 10 फ्लोर तक है। ओके। और पूरे के पूरे 10 फ्लोरों में लगा लो, कि कम से कम सबसे नीचे सारे बड़े बड़े हैं बेसमेंट में, तो वो होंगे कम से कम 20 के करीब, बाकी सारे हिसाब से साइज के हिसाब से है। हेलो, चलो चले, पहले मैं जरा एसी बंद कर दूं। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि कार्तिक काम क्या करता है। कार्तिक पेंटर का काम करता है और शिफ्टिंग का भी काम करता है। जैसे इसने बोला ना कि हम ऑफिस शिफ्ट करेंगे, सो अगर आपको भी कोई शिफ्टिंग करवानी हो, घर की भी शिफ्टिंग करवानी हो, तो कार्तिक को बुला दे। सो गाइज ये तो सिर्फ मजाक था, कार्तिक बिल्डिंग का टेंडर वगैरह लेता है। आप देखो गाइस, ये मेरे ऑफिस का व्यू है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये है 8th फ्लोर, इसके ऊपर 2 फ्लोर और हैं। ये देखो वो आम वाला भैया, देखना कितना छोटा सा दिख रहा है। ये मेन रोड है और 2 फ्लोर नीचे बेसमेंट है, सॉरी डबल फ्लोर नीचे बेसमेंट है, अंडरग्राउंड डबल फ्लोर है, आप समझ जाओ आप जैसे जो भी है। और हमने इस ये दिख रहा है आपको, ये जो गेट है ये, यहाँ से भी अंदर जाना है, हमें सैंपल चेक करना है 4BHK में, जहाँ पे हमारे लोगों ने लगाया है। गाइस प्रे करना कि वो पास हो जाए और हमें पूरी की पूरी बिल्डिंग का टेंडर मिल जाए। चलो गाइस अब चलते हैं हम सैंपल की तरफ। चलो गाइस, चलो, चलो। ऑफिस की लाइट हमने कर दी है बंद, चलते हैं घर। और ये वाला हॉल ना मेरे कमरे में कर दो डांस के लिए, है ना। अच्छा ठीक है जी, अच्छा लग रहा है ना। चलो चलो, ये हमारे कंपनी के लोगों के हिसाब से हमने अंदर का पैटर्न बनाया है, ग्रे और येलो। मेरे भी कंपनी के लोगों के हिसाब से बना दो, यूट्यूब के हिसाब से। वैसे मैं उसके यूट्यूब के हिसाब से ही बनाया है ना, रेड रेड। भाई साहब से मैंने 2 भाइयों से और मिला, जो मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो एक साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, पर वो जल्दी चले गए हैं, उनको थोड़ा सा घर में थोड़ा काम था इसलिए वो नहीं मिल पाए। ये तो आपको 2 जनों से और मिला था, जो मेरे बड़े भाई हैं। सो हमने कर दिया लॉक, बाय बाय ऑफिस, फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं, अगली बार आपको जरूर मिलाऊंगा। वो इतने ज्यादा क्या कहते हैं उसे, फनी, और अपनी देसी भाषा में बोले तो कलोली। कलोली वहाँ कहाँ जाना है, टॉयलेट में जाना है भाई, मुझे थोड़ी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे क्या पता। देखो तो... आ इधर इधर ले आओ, इधर ले आओ कैमरा, यहाँ से आता हूँ। ये सामने हम यहाँ से जाएंगे, ये नीचे दिख रहा है आपको रास्ता, यहाँ से अंदर बेसमेंट में जाएंगे। वैसे बेसमेंट नहीं है ये, ग्राउंड फ्लोर ही है, उसके नीचे 2 बेसमेंट और है। वाओ, ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल नहीं है, फाउंटेन है, स्विमिंग पूल उधर की तरफ है, इधर इनके क्लब हाउस है इधर। अच्छा क्लब हाउस, मेरे को भी देखिए क्लब हाउस, वहीं से देखिएगा घर पे भी एक क्लब हाउस बना दो। अच्छा ठीक है, आ जाओ क्लब हाउस। वाओ यहाँ से ना मेरे को बड़ा डर लग रहा है, बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर है, ऊंची है बिल्डिंग। ये वाली 14 फ्लोर है, ये 13 फ्लोर है, वो भी 14 फ्लोर है। ओहो, पता नहीं लोग कैसे रहते इतनी ऊंचाई पे, है ना। वो ऐसे बहुत सारी लिफ्ट है ना यहाँ पे, लिफ्ट ही लिफ्ट है। सो गाइस देखो हम फिर से आ गए हैं लिफ्ट में, और देखो मेरे फोन के कवर में आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे पैसे हैं। यहाँ पे मैं कुछ जेब खर्च के लिए, अगर मैं पर्स लेकर नहीं जाती हूँ तो मैं कुछ पैसे रख लेती हूँ,
कि कुछ जरूरत पड़ी, यहाँ पे 500 का नोट है और एक 50 रुपए है। सो कुछ भी खाने पीने का मन करता है तो गाइस अभी हम आए नहीं है, सिक्स फ्लोर है अभी तो। ओके सो गाइस फिर इसलिए मैं यहाँ पे कुछ पैसे रखती हूँ, कुछ पॉकेट मनी, कुछ भी खाना पीना हो तो एकदम से जैसे पर्स घर पे रह जाता है जिसमें मैं रख के आ जाती हूँ, और ये है मेरा पॉकेट मनी का पर्स समझ लो। शीशे में मैं अभी भी देख रही हूँ, ये बंद नहीं हो रहा, मैं खड़ी रहूंगी तो बंद नहीं होएगा, बंद हो गया। यहाँ पे फोन भी है, बात कर सकती हूँ। वो चलता नहीं है, ये वाला चलता है, वो टूट गया। हेलो, मैं कार्तिक की वाइफ बोल रही हूँ। हाँ जी, टेंडर पास हो गया क्या? हाँ कह रहे हो गया। सो गाइस लेट्स गो, बहुत ही मजा आया मुझे तो, बाल मैंने कवर भी नहीं किए है, यहाँ पे तो ठंडी हवा चल रही है। सो गाइस ये देखो यहाँ पे तो शोरूम है, यहाँ पे कपड़े वपड़े हैं, कुछ कपड़े वपड़े अभी ले लेते हैं, लेकिन बाकी की सारी दुकानें बंद है। सो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पर। चाय बगाने ये कितना कचरा पड़ा है भाई अंदर में, इतना कचरा, यही तो सैंपल लगाया है। ओहो सो गाइस यहाँ पे आ गए हम, लीक नहीं हो रहा। अरे रुक जा, ऐसे नहीं पता चलता। सो गाइस यहाँ पे कार्तिक आया था कुछ चेकिंग करने के लिए, यहाँ पे जो पानी लीक हो रहा है ना आप देख सकते हो, जो पानी लीक हो रहा है ना इस पूरे सोसाइटी की, तो इसका टेंडर मिला है कार्तिक को। ठीक तो है लेकिन ना हल्का सा गिल्ला बन है उसमें ठंडा का। सो गाइस ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अजीब जगह है गाइस, देखो नीचे यहाँ पे कौन रहता होगा, मैं सोच रही थी। यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, और यहाँ पे ये देखो ये डस्टबिन वगैरह के लिए है, देखो लाइट्स भी लगी हुई है। सो ये देखो इसमें मुझे लगता है कुछ कोई चौकीदार वगैरह रहते होंगे, क्या पता। नीचे में बहुत खतरनाक है, ये तो मैं पहली बार ऐसी जगह पे आई हूँ। सो गाइज ये देखो अंदर चल के देखे इसने क्या है, वाओ। सो रहा हमारा कार्तिक बेबी, चले। वो बहुत अजीब सी जगह है ना, उसमें मुझे लगा कोई रहता है, मुझे लगा ना इसमें कोई रहता है, स्टोर है इसमें तो क्यों।
फाइनली हम अपने घर पे आ गए हैं और देखते हैं कि पकौड़े मैं बना पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि गर्मी बड़ी लग रही है। सो, कार्तिक अभी काम से फिर वापस गया है और अब तक मैं लगती हूँ पकौड़े बनाने में। सो, गाइस देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं पकौड़े। इसमें मैंने घिया को कद्दूकस करके डाला हुआ है और बेसन है और उसमें नमक है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, हींग है, अजवाइन है और यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है और अब हम फ्राई करेंगे। जहाँ जहाँ स्पेस खाली है गाइस वहाँ पे डाल देंगे पकौड़े को, ताकि कोशिश करेंगे कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े आ जाए, बट हमें पलटना भी है तो थोड़ा उबल के। अब इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। सो यहाँ पे हम पकड़ेंगे कढ़ाई को, इसको हम पलटेंगे। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऊपर से इसमें हम चाट मसाला डाल के खाएंगे, बहुत चटपटा लगेगा। सो गाइस यहाँ पे हमारे पकोड़े बन गए हैं, ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गए हैं, हमने बहुत क्रिस्प किया है इसको। सो गाइस देखो अब चलेंगे हम छत पर और चाय बना लूंगी और फिर हम खाएंगे चाय पकोड़े। तो ये रहे हमारे पकोड़े और ये रहे कार्तिक जी पकोड़े। हाँ जी पकोड़े, चाय पकोड़े। हाँ जी चाय पकोड़े। खा लो जी, खा लो, आपके लिए बनाए हैं। बस ये है कि अब खाका के हम मोटे हो रहे हैं, तो अब जरूरी है कि हम अब एक्सरसाइज करें। और कब से लगा रहे हैं एक्सरसाइज कार्तिक? लगा लेंगे दो एक साल बाद पता है, फिर और हम टुन हो जाएंगे। तभी तो मोटिवेशन आएगा ना, मोटे हो रहेंगे। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, पहले वेट बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम वेट लूज करके दिखाएंगे कि हाँ भाई। सो गाइस, गाइस को तो पूछा ही नहीं, अभी भूख लग रही है। भूख लग रही है गाइस, घर पे आके खा लो, घर पे आके खा लो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।